शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आखिर सुनैना, काली शक्ति बन ही गई, पिशाचिनी बन ही गई, पिशाचिनी। लो, अपना गांव आ गया। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि उस काली शक्ति का अंत हो गया। कम से कम अब हम आराम से घूम फिर तो सकते हैं। चलो। सुनैना इन गांव वालों का रक्त पीकर पूरी तरह से काली शक्ति बन जाएगी। एक अच्छी आत्मा बुरी आत्मा बन जाएगी। मैं इन मासूम लोगों पर प्रहार नहीं कर सकती, पर मेरे अंदर की भूख। ऐसा लग रहा है, मुझे इतना अजीब महसूस क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है कुछ बुरा हुआ हो। ये मेरे बालों में कैसे आ गया? रानी साहिब, राजा साहिब ने आपको दरबार में बुलाया है। इतनी सुबह सुबह? हाँ रानी साहिब, गांव से कुछ लोग दरबार में आए हुए हैं। वे लोग बहुत गुस्से में लग रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ। जी रानी साहिब। महाराज, महाराज हमें न्याय चाहिए। महाराज, सर्पिका के अंत के साथ ही हमें लगा था कि राज्य में काली शक्ति का अंत हो चुका है, पर हम गलत थे राजा साहब। राज्य में काली शक्ति अभी भी घूम रही है राजा साहब। किंतु ये कैसे संभव है? हमने और रानी सुनैना ने मिलकर उस काली शक्ति का अंत किया था, फिर वो काली शक्ति वापस जिंदा कैसे हो सकती है? डॉक्टरी, काली शक्ति। प्रणाम राजा साहब, आपने मुझे बुलाया। हाँ, हमने तुम्हें बुलाया था सुनैना। ये ऐसा कह रहे हैं कि कल इनके ऊपर काली शक्ति ने हमला किया, किंतु कैसे संभव? आपने और हमने मिलकर सर्पिका का अंत किया था, फिर से काली शक्ति राज्य में? पर ये कैसे हो सकता है? उस काली शक्ति को तो हमने दूर। हाँ, भगाओ यहाँ से, दूर करो इसे, भाग यहाँ से दूर। महाराज, यही वो काली शक्ति है, इसी ने हम पर हमला किया था और मेरे मित्र की भी इसी ने जान ली है। महाराज, जिस नारी ने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर उस काली शक्ति का अंत किया हो, तुम ऐसा ही काली शक्ति कह रहे हो? लज्जा नहीं आती तुम्हें? वो तो तुम घायल हो, वरना हम तुम्हें दंड अवश्य देते, तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देते यही की यही। क्षमा कीजिए महाराज, पर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। महाराज, आप चाहे तो इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने ही हमारी जान बचाई थी। क्षमा कीजिए राजा साहब, लेकिन ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल रात रानी साहब ने एक और सैनिक को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि इन्हें हो क्या गया है। नहीं सुना ना, तू किसी को नहीं मार सकती, तू तो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाती है। इसके दिल में तो अभी भी अच्छाई जाग रही है, हमें इसकी अच्छाई को पूरी तरह से समाप्त करना होगा।
काली शक्ति, हम तुझे इन निर्दोष लोगों को मारने नहीं दे सकते। किसने किया है सब? क्षमा राजा साहब, ये सब रानी साहब ने किया है। जब रानी साहब रात में कहीं घूमने जा रही थी तो मैंने इन्हें रोका और इन्होंने मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया। कुछ बुरा आभास तो हो रहा है, पर क्या है, कैसे है, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ याद नहीं है राजा साहब, पर मेरा हृदय कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। राजा साहब, हमारा विश्वास कीजिए, रानी साहब एक काली शक्ति है। रानी साहब काली शक्ति है, रानी साहब काली शक्ति है, काली शक्ति है, काली शक्ति है। मुझे नहीं पता ये सब ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर मेरी अम्मी माँ जानती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती राजा साहब। फिर तो सत्य पता करने का केवल एक ही रास्ता बचा है। अधीरा जी से कहाँ ले जा रहे हो? माँ, हम एक राजा है, राजा का कर्तव्य होता है दोषी और निर्दोष का पता लगाना, फिर वो चाहे अपना ही क्यों ना। और मैं भी चाहती हूँ कि सच सबके सामने आए। ये कैसा आरोप लगा रहे हैं राजा साहब सुनैना बिटिया पे? ये जरूर किसी की चाल है, पर आप चिंता मत कीजिए, दीदी साबित कर देगी कि वो बिल्कुल निर्दोष है। मैं जानती हूँ ये सब इस चंद्रलेखा की चाल है। आप सबके अनुसार सुनैना काली शक्ति है, किंतु आप सब ये बात भी जानते हूँ कि सुनैना अंबे माँ की बड़ी भक्त है, और हमें पूरा विश्वास है कि सुनैना अंबे माँ के परिसर में झूठ नहीं बोलेगी। सुनैना, जो तुम पर आरोप लगे उसके विषय में तुम कुछ कहना चाहोगी? अधिराज, आप सुनैना से ऐसा पूछ भी कैसे सकते हैं? आप जानते हैं हमारी सुनैना किसी को क्षति नहीं पहुंचा सकती। राजा साहब, मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर सच पता लगाने का एक ही रास्ता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि काली शक्ति अंबे माँ के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, किसी भी दिव्य वस्तु को ना छू सकती है और ना ही उसका सामना कर सकती। तो अब रानी सुनैना को अंबे माँ के मंदिर में प्रवेश करना होगा। अगर वो ऐसा करने में सक्षम हो जाती है तो माना जाएगा कि वो निर्दोष है। मुझे स्वीकार, मैं मंदिर के अंदर जरूर जाऊंगी।